हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 42 साइज का ब्लाउज कटिंग बता रही हूँ। ये 4 टक्स ब्लाउज है, 42 इंच का जो ब्लाउज है ये 42 साइज का है और ये अस्तर के ऊपर मैं बता रही हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप और स्लोली मैं बता रही हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए बैक साइड का मैं फर्स्ट कटिंग करूँगी। देखिएगा, फर्स्ट जो स्क्रीन के ऊपर जो दिखा है आपको वही मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। 15 इंच का लेंथ है, मैं 16 इंच ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा। और लेंथ का इस तरह मार्किंग लगा के इस तरह लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और 5.5 इंच मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है और आर्महोल लिया है 6.2 इंच, क्योंकि इसमें मैंने ऊपर स्टिचिंग करने के लिए भी 1/2 इंच साथ में लिया है। ये दोनों को भी इस तरह लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और 42 का फोर्थ पार्ट 10.5 इंच आता है, उसको इस तरह मार्किंग लगाइएगा 10.5 इंच में। और एक्स्ट्रा मार्जिन 2 इंच या आपको चाहिए तो 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरह ये भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और आर्महोल के साइड में मैं ले रही हूँ 1.5 इंच ले रही हूँ, ये डीप नेक में बना रही हूँ मैं, इसके लिए 1.5 इंच ले रही हूँ। आपको कम चाहिए तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, डीप नेक नहीं रहेगा तो। और यहाँ पर आधा और यहाँ पर इस तरह का यहाँ से आधा ये लेके इस तरह मार्क लगा के आर्महोल में इस तरह शेप दीजिएगा। और कमर के साइड में 36 इंच का कमर है, उसमें फोर्थ पार्ट 9 इंच आता है और यहाँ पर 9 इंच का मार्किंग लगाइएगा। और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ पर इस तरह मार्किंग लगा के यहाँ से दोनों लाइन को भी, यहाँ पर दोनों डॉट को भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, आपको चाहिए तो 1.5 इंच का भी आप ले सकते हो। नेक विड्थ ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच और नेक डीप ले रही हूँ यहाँ पर 12 इंच का ले रही हूँ मैं यहाँ पर डीप नेक के। देखिए, फिनिशिंग होने के बाद नीचे का जो पट्टी आएगा वो 3.5 इंच में आएगा। और डीप विड्थ भी मैंने 3.5 इंच लिया है यहाँ पर, मैं पहले से ही बता आपको, मैं डीप नेक के ऊपर बना रही हूँ ये ब्लाउज। और ये दोनों जो डॉट को इस तरह लाइन ड्रॉ कीजिएगा। और यहाँ पर आपको जो नेक का जो डिज़ाइन देना है आप दे सकते हो, मैंने यहाँ पर गोल नेक दे रही हूँ यहाँ से। ये डीप नेक के ऊपर है, डीप नेक के ऊपर आप ब्लाउज बना रहे हो, यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करना है ताकि शोल्डर के नीचे ना गिरे, इसलिए यहाँ पर अंदर की तरफ 1/2 इंच डाउन करना है, इसे सिर्फ डीप नेक के लिए। और टक्स के लिए 4 इंच यहाँ से यहाँ तक और ऊपर की साइड 3.5 इंच, इस तरह लाइन ड्रॉ करते हुए 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है आपको टक्स के लिए। ये बैक साइड का पूरा मार्किंग हो गया है, अभी कट करेंगे। और नेक में मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिचिंग करने के टाइम ही कट करती हूँ। मैं नेक का जो पैटर्न, जो भी पैटर्न हो, सिर्फ स्टिचिंग करने के टाइम ही मैं कट करूँगी। देखिएगा, इस तरह आपको कट करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट जैसा हम लोगों ने मार्किंग किया था सिर्फ वैसे ही आपको कट करना है। और चेस्ट का जो इधर मार्जिन दिया हुआ उधर छोटा सा कट दिया है मैंने। देखिएगा, बैक साइड का जो कटिंग हो गया है, अभी फ्रंट का कट करेंगे। फ्रंट का कट करने के लिए कपड़े को यहाँ से यहाँ इस तरह अपने साइड फोल्ड जो ओपन वाला पार्ट है हमारे साइड आना चाहिए, इस तरह आपको रखना है। और यहाँ पर मैंने, देखिएगा, यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ हुक्काई पट्टी के लिए। इस तरह हुक्काई पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है आपको, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, सिर्फ 1/2 इंच छोड़ना है। ज़्यादा छोड़ेगा तो शोल्डर के नीचे ड्रॉप हो जाएगा ब्लाउज। और बैक साइड का जो हम लोगों ने कटिंग किया था उसको यहाँ पर इस तरह रखते हुए 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो छोड़ के आपको यहाँ पर बैक साइड का जो पार्ट है कट किया हुआ हम लोगों ने वो इस तरह रखना है। जैसा बैक साइड का हम लोगों ने कट किया था उसी मेजरमेंट के हिसाब से आपको इस तरह निकालना है, यहाँ ड्रॉ करना है। देखिए, और यहाँ पर छोटा सा मार्क लगा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए बैक का जो लेंथ कितना है वो। देखिए, यहाँ पर मैंने आर्महोल का जो शेप देना है 1 इंच डाउन करना है, सो इसलिए यहाँ पर मैंने इस तरह मार्क लगाया लाइन को। और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन देते हुए अंदर की तरफ यहाँ पर मार्क लगाना है,
शेप देना है। और नेक विड्थ ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच का नेक विड्थ ले रही हूँ, और नेक डीप ले रही हूँ मैंने यहाँ पर 7 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बड़ा साइज का जो ब्लाउज है, बिग साइज का जो ब्लाउज है, इसलिए यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ यहाँ पर यहाँ से। और यहाँ दोनों को भी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर भी मैंने गोल शेप दे रही हूँ, देखिएगा यहाँ पर यहाँ से इस तरह गले का भी शेप दिया है। अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पर है टक्स लेंथ। टक्स लेंथ लेंगे 11 इंच का जो टक्स लेंथ है, सो मैंने यहाँ पर ऊपर शोल्डर पट्टी अटैच करते ना उधर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए 11.5 लिया है, और 2.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे लिया है। जो यहाँ का ये पॉइंट है, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 इंच का ले रही हूँ, और नीचे इसको लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 इंच इस साइड 1 इंच इस साइड दोनों को भी 2 इंच हमको इधर यहाँ पर टक्स देना है, मतलब 1-1 इंच के हिसाब से, और यहाँ पर 1 इंच ऊपर की साइड फ्री एंड से इस तरह मार्क देना है, आपको लाइन ड्रॉ करना है, देखिएगा इस तरह। और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच आता है सेंटर में पॉइंट निकल के, और सेंटर में 2 इंच का जो मार्क है, यहाँ से 2-2 इंच का आपको मार्जिन देना है। देखिए यहाँ पर एक टक्स हो गया, ये जो टक्स है मैं बाद में बताऊँगी, यहाँ पर जो टक्स आता है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करने का, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, और जो यहाँ पर जो 2 इंच का जो टक्स में माइनस होता है उसको यहाँ पर हम लोग को ऐड करना है 2 इंच को, और ये दो जो लाइन है उसको ज्वाइंट करना है, देखिएगा यहाँ पर इस तरह रखते हुए। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन हम लोगों ने जो लिया था टक्स के लिए, दोनों टक्स के लिए, उसको इस तरह लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का मार्जिन लेना है, ऊपर के साइड 1 इंच और बाजू में 2 इंच, और नीचे से 2 इंच लेके, और इस तरह आपको एक टक्स का मार्जिन यहाँ पर देना है, देखिएगा ये भी हो गया। अब दूसरा फाइनल है ये वाला टक्स, ये जो मार्जिन हम लोगों ने दिया था टक्स के लिए, इसको ये इस तरह स्केल को इस तरह रखते हुए आपको आपको लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर में जो गोल शेप आना चाहिए उसी हिसाब से आपको मार्किंग देना है। देखिए चारों टक्स भी हो गया है। अब भी यहाँ पर बेल्ट कैसे निकालने का मैं बताऊँगी। देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले से ही मार्किंग लगाया था, ये जो मार्किंग से नीचे 3 इंच लेना है, और यहाँ पर भी 3 इंच लेना है आपको। ये जो जो लाइन है हम लोगों ने ड्रॉ किया था लाइन, वो लाइन के ऊपर ही हमको 3 इंच लेना है, ऊपर 1 इंच हम लोगों ने शेप दिया था उसी हिसाब से अपने सेट 3.5 इंच हो जाएगा, दूसरा सेट 3 इंच हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा बेल्ट भी, देखिएगा इसमें से बेल्ट भी हो गया, फुल फ्रंट का मार्क पूरा कंप्लीट हो गया है प्रॉपर। अभी मैं कटिंग करने के टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच ऊपर की तरफ शेप देना है, यहाँ पर इस तरह कटिंग करके लेना है आपको, सिर्फ आधा इंच, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंच ही रखना है। अभी कट करेंगे, कट करने के टाइम पहला मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो बेल्ट है वहाँ से मैं कट कर रही हूँ, देखिएगा यहाँ पे इस तरह। अभी नेक का कट कर रही हूँ यहाँ पर, इस तरह आपको कट करना है, और यहाँ पर शोल्डर की तरफ अंदर की तरफ हम लोगों ने डाउन किया था वहाँ पर, उस तरफ से हम लोग को कट करना है। देखिए फ्रंट पार्ट का मैंने टक्स का जो पार्ट है वो कट किया है, अभी बेल्ट कट करूँगी, देखिएगा फ्रंट पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया कटिंग। अभी छोटा छोटा इधर टक्स देना है ताकि स्टिचिंग करने के टाइम कुछ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए बहुत मदद मिलेगी हम लोगों को स्टिचिंग करने के टाइम, यहाँ पर इस तरह टक्स देते दिया तो, इसके लिए मैंने चारों तरफ टक्स दिया है। अभी फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो गया, अभी स्लीव्स कटिंग कर बताऊँगी आपको। स्लीव्स कटिंग करने के टाइम जैसा 4 फोल्डिंग में इसी तरह सेम फोल्ड करके लेना है आपको, देखिएगा यहाँ पर इस तरह फोल्ड करके लेना है। जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन आता है सीधा आपको कपड़े को सीधा करते हुए कट करके लेना है, देखिए इस तरह 4 फोल्डिंग है, यहाँ पर इस तरह मैंने फोल्डिंग किया है। स्लीव का जो लेंथ है
9 इंच है, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा दे रही हूँ यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। जो अस्तर का आपने जो स्टिचिंग करते हैं तभी 1 इंच एक्स्ट्रा देना है, विदाउट अस्तर करेगा तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिएगा लेंथ का अकॉर्डिंग। और डाउन मैंने 3.5 इंच का डाउन किया है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर सीधा मैंने यहाँ पर एक स्लीव्स का शेप दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर अभी स्लीव्स का राउंड 6.5 इंच आता है। देखिएगा यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मैंने इसलिए कि यहाँ पर शॉर्टेज होता है पीस, कपड़ा यहाँ पर अटैच करना पड़ता है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली मैंने शेप दे दिया। जो मैं स्टिचिंग करने के टाइम बताऊँगी कैसे ऐड करने का, जो शॉर्टेज होता है ना वो कपड़े को आर्मर के साइड कैसे ऐड करने का मैं बता के तभी मैं आपको पूरा मेजरमेंट बताऊँगी आपको। और यहाँ पर भी साइड में भी मैंने कटिंग करके 1 इंच डाउन किया है हम लोगों ने फ्रंट पार्ट के लिए, वो भी कट करेंगे। देखिएगा स्लीव्स भी कटिंग हो गया, पूरा फ्रंट और बैक सब अस्तर के ऊपर कट करके लिया है, अभी मेन फैब्रिक में कट करेंगे। देखिए इस तरह मेन फैब्रिक है, ये मेन ब्लाउज पीस है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ओपन साइड है, ओपन साइड को इस तरह रखते हुए ब्लाउज पीस को इस तरह रखना है आपको, डबल फोल्डिंग में रखा है मैंने यहाँ पर इस तरह। पहला आपको फोल्डिंग का जो रखा है उसी हिसाब से आपको बैक पार्ट को यहाँ पर रखना है, पहला बैक पार्ट में फोल्डिंग का जो हेयर है उस तरफ भी रखना है, फ्रंट पार्ट को इस तरह रखना है आपको। और मैंने यहाँ पर बेल्ट को आगे की साइड रखूँगी इस तरह। अब इस तरह आपको आप रखने से कपड़ा भी बचेगा, स्टिचिंग करने के लिए भी हमको बहुत सारा कपड़ा बचता है। इस तरह आप अस्तर का कपड़े का स्टिचिंग करने के टाइम इस टाइप का आप रख के आप कटिंग कीजिएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन ओनली 1/2 इंच दिया तो भी चलेगा, बहुत अच्छे से हम लोग अटैच कर सकते हैं। 1 इंच का मत दीजिएगा, 1/2 इंच में भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं बैक पार्ट का हुआ है, अभी फ्रंट पार्ट को भी मैं कट करूँगी। देखिएगा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया अस्तर के ऊपर। आपको बेल्ट को कटिंग करने के टाइम आप नीचे का जो कपड़ा है ब्लाउज पीस का वो बराबर एक है देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल लेयर में है सो इसलिए बराबर रखते हुए आपको इस तरह कटिंग करना है। यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है बेल्ट के लिए, ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा है। देखिएगा पूरा कटिंग हो गया, अभी स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के टाइम यहाँ पर देखिए इस तरह फोल्ड, ये भी मैंने ओनली डबल फोल्डिंग में रखते हुए मैंने कटिंग करूंगी, 4 फोल्डिंग नहीं रखूंगी यहाँ पर। आपको इस तरह ओपन करते हुए इस तरह रखते हुए आपको कटिंग करना है, और नीचे के साइड आपको कपड़े को इस तरह सीधा करना है कटिंग करते हुए। यहाँ पर भी मैंने ओनली 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही आपको यहाँ पर कट कर रही हूँ। देखिएगा हो गया पूरा ब्लाउज का फुल कटिंग हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह टेलरिंग आपको इस तरह सीखना है तो कुछ डिज़ाइन सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।